Everyone, today we are going to start our new chapter, that is Nature and Significance of Management. Generally we use the term management everywhere. First of all, we have to learn what do we mean by management. What is management? It's simply it is an intangible process which we see by seeing the coordination among the workers. But in normal terms, when we explain management, it is a process of getting things done with an aim of achieving goal. Here the goal is the objective of the firm. ऑब्जेक्टिव हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए जो प्रोसेस फुलफिल की जा रही है, जो प्रोसेस की जा रही है, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर मैनेजमेंट इज नॉट अ न्यूअर कंसेप्ट, ये एक नया कंसेप्ट नहीं है, ये पहले भी यूज किया जाता था। बट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, व्हाट इज द नेम बिहाइंड यूजिंग द वर्ड मैनेजमेंट। We get 6 M's. These 6 M's are M for men, M for money, M for machine, M for material, M for method. And last, M for market. In our day-to-day life, we deal with these 6 M's. And these 6 M's are very important for us. Men, in 6 M's ko manage karne ke liye hi management ki requirement hoti hai. Men here, men stands for the manpower. Money means investment. Machine, the machines which we use in our production. Material, the material which we are going to use for the production. Method, the method we are opting for the production. And the last one is market. Without market, organization of बिजनेस कांट बी सर्वाइव। यहाँ पर मेरा समझाने का मतलब आपको बस इतना है कि इन 6 एम्स को मैनेज करने के लिए हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एन एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वी हैव टू कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, वन इज ट्रेडिशनल and another one is modern concept of management. Traditional concepts says management is the process of getting things done with an aim of achieving goals. But in modern concept, its face is now changed. It is a process of getting things done with an aim of achieving goals effectively and efficiently. Here two words are added in the in traditional concept of management. Management simply एक process था जिसमें ये कहा जा रहा था कि हमें काम करना है, एक goal को achieve करना है, और उसी goal को achieve करने के लिए हम अपने activities को एक process के form में perform कर रहे हैं। लेकिन जब बात modern concept की आई तो वहां भी यही चीज कहा गया कि मैनेजमेंट थिंग्स को कंप्लीट, अपने टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर दो नए टर्म्स ऐड हो गए इस डेफिनेशन में, दैट इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली में ये कहा गया वर्क शुड बी कंप्लीट ऑन टाइम। मैनेजमेंट हमेशा इस चीज को प्रियोरिटी दे जाता है कि वर्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम।
यहाँ पे जो भी टास्क हमें असाइन किया गया है उसके लिए ये कहा गया कि जो भी टास्क असाइन है ऑन टाइम कंप्लीट होना चाहिए। अनदर टर्म यूज हियर इज एफिशिएंटली। द वर्ड एफिशिएंटली मीन्स हियर टास्क शुड बी कंप्लीट ऑन टाइम विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे प्रियोरिटी एफिशिएंटली के थ्रू हमने इस टर्म को दिया कि काम जरूर टाइम पे कंप्लीट करना है लेकिन विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो हियर वी कंक्लूड दैट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज सिंपली थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म। यहाँ पर ये दो टर्म्स जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपकी कंप्लीट नहीं होती। अब इन सभी के साथ साथ एक नया टर्म हमारे साथ, हमने एक और चीज सीखा। मैनेजमेंट की जहां तक बात है तो मैनेजमेंट को मैंने फर्स्ट सेंटेंस में ही कहा है इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। अगर ये इंटेंजिबल है तो हमें दिखता तो नहीं है, इसका मतलब अगर दिख नहीं रहा है तो हम क्या फील कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ मैनेजमेंट वर्क कर रहा है। मैनेजर्स जितनी एक्टिविटीज को एक साथ कोऑर्डिनेट करके परफॉर्म करवा रहा है वही हमारा मैनेजमेंट है। अब बात अगर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की आएगी कि मैनेजमेंट एफिशिएंट है नहीं है वो कैसे हमें पता चलता है, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। आप किसी मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, वहां प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं दे हैव नो कंफ्यूजन नो शोज इट सीम्स टू बी दैट दे हैव द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। ये कोऑर्डिनेशन हमें ये शो करता है कि दैट दे हैव द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन। अब बात यहाँ पर मैनेजमेंट की जहां तक करते हैं तो मैनेजमेंट के डेफिनेशन के बाद हमारा नया का दूसरा कंसेप्ट आता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फर्स्ट फीचर इज इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Management is always work for the organization through the people assigned here for the organization। अब यहाँ पे जो भी goal आपको दिया गया है organization का, जो भी objective है उसको achieve करने के लिए management different activities को perform करता है। ये different activities जब हम बात process की करते हैं ये different process हम fulfill कर रहे हैं। ये प्रोसेस क्या है हमारे लिए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजर्स इन पर्टिकुलर इन फाइव एक्टिविटीज को परफॉर्म करकर ये हमारे गोल को ऑब्जेक्ट जो भी गोल हमें असाइन किया गया है उसको अचीव करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो सो फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। When now come to the second feature of the management, generally we call it as it is an management is purposive in nature. The word purpose is here a new word is used here, purpose. It means universal. The process of management is applied everywhere, whether the size of the organization, whether it is a small organization, big organization, profit organization or non-profit organization, management is applicable to everywhere. Purposive में हम ये चीज शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि management is applied to all type of organization. यहाँ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास वो मैटर नहीं कर रहा है कि वो साइज उसका स्मॉल है या लार्ज,
प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओस है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैनेजमेंट अप्लाइड हर जगह होने वाली है। नेक्स्ट वन मोर फ्यूचर इज हियर, इट इज कंटिन्यूअस। इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। कंटिन्यूअस द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड इन कंटिन्यूटी। मैनेजमेंट का खुद एक नॉर्मल से टर्म सोचते हैं, क्या जो आज हमने काम किया तो वो काम आज ही तक, आप एज ए स्टूडेंट इस चीज को सोचो कि जो आज आपका स्टडी अगर है तो केवल आज ही करोगे, कल ही करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूटी में चलता है। यही चीज मैनेजमेंट के साथ अप्लाई होती है कि मैनेजमेंट का वर्क एक दिन का नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जब तक सर्वाइव कर रहा है मैनेजमेंट उसके साथ सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट की ड्यूटी है उस ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए सारे एफर्ट्स को कंक्लूड करना। अब बात यहां कंटिन्यूअस की है तो यहां मैनेजमेंट कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। इसके वर्क को डेली कंटिन्यूटी मिलती है, डेली वो वर्क हमें कंप्लीट करना है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबल। मैनेजमेंट का एक और फीचर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज मल्टी डायमेंशनल। आई हियर वर्ड यूज इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट वर्क्स एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैन ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ड मल्टी डायमेंशनल इज दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस वर्ड मल्टी डायमेंशनल इंटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज वर्क, सेकेंड वन इज पीपल, एंड थर्ड वन इज ऑपरेशन। वर्क व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज वर्क, वर्क हियर द नेचर ऑफ वर्क विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू परफॉर्म। सेकेंड वन इज पीपल, हियर पीपल स्टैंड फॉर द ह्यूमन रिसोर्स विच वी आर गोइंग टू यूज, एंड द वर्ड ऑपरेशन मीन्स ऑपरेटिंग साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल। वर्क जब हम, मैं कह रही हूं कि मैनेजमेंट का वर्क मल्टी डायमेंशनल है, ये सभी जगह परफॉर्म करता है। इसको कैटेगराइज करने के लिए यहां पर मैंने मैनेजमेंट के मल्टी डायमेंशनल प्रूफ करने के लिए थ्री कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज वर्क। मैनेजमेंट को सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे आर गोइंग टू परफॉर्म। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल की बात करें, अगर हॉस्पिटल है तो वहां हमारे नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, टू सर्व द पीपल, टू प्रोवाइड बेटर ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेस। तो यहां पर हॉस्पिटल का नेचर ऑफ वर्क क्या हो गया, लोगों की सेवा करना। दूसरी बात हम अपने स्कूल की बात करते हैं जहां तक, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का वर्क क्या है, टू गिव नॉलेज और टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। तो यहां पे जो भी नेचर ऑफ वर्क है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एक स्मूथ वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में आपको परफॉर्म करवाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू पीपल। हियर पीपल आर दोज पर्सन हु आर एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने मेंबर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनकी ड्यूटी भी मैनेजमेंट पर ही होती है। उनकी ड्यूटी मैनेजमेंट पे कैसे होती है, दे हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, मैनेजमेंट हैव टू प्रोवाइड गुड रेमुनरेशन अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जो भी ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास एम्प्लॉयड है एट दैट मोमेंट, वी हैव टू सेटिस्फाइड दैम।
हमें उन्हें सेटिस्फाई करना है बाय गिविंग देम प्रॉपर रेमुनरेशन, बाय प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, बाय प्रोवाइडिंग अदर अलाउंसेस इफ पॉसिबल। यहाँ पर पीपल्स को जब तक हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं सर्वाइव कर सकता। देन वी कम टू द वर्ड ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल स्टैंड्स फॉर द साइकिल वेयर वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इंटू फिनिश्ड गुड्स। अब मैंने आपको फर्स्ट से ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन अगर एजुकेशनल है उस केस में तो आप बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कीजिएगा। इन केस मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन बेस्ड है तो वहां पे मेरी ऑपरेटिंग साइकिल वर्क करेगी। ऑपरेटिंग साइकिल में ये वर्क कर बात है कि रॉ मटेरियल को कैसे आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट तक लेके जाना है। तो ऑपरेटिंग साइकिल मैनेजमेंट तो यहां भी वर्क करेगा क्योंकि अगर मेरे पास रॉ मटेरियल को फिनिश में कन्वर्ट करने का प्रोविजन है तो देन एट दैट मोमेंट वी हैव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वी हैव। तो यहां पर ऑपरेटिंग साइकिल से मतलब है कि जो भी गुड्स हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, ये जितना प्रोसेस है, जितनी एक्टिविटीज इनके बीच में परफॉर्म की जा रही है, उन सबको हमें इजीली स्मूथ वे कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म करना है और ये परफॉर्म करने में हमारी हेल्प मैनेजमेंट करता है। तो ये हमारा नेक्स्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है मल्टी मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट फीचर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फीचर ऑफ द मैनेजमेंट विच इज इट शोज दैट मैनेजमेंट इज ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मीन्स हियर फीचर ऑफ अडैप्टेबिलिटी कि मैनेजमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम मैनेजमेंट को सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्टिव करना आना चाहिए। अब मैनेजमेंट की जहां तक बात की जाए तो मैनेजमेंट पे मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए वर्क कर रहा है। इनकेस हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो जाती है, कुछ बिजनेस एनवायरमेंट्स में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना है, तो टाइम टू टाइम मैनेजमेंट हैज टू चेंज देयर पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दिस फीचर इज कॉल्ड डायनेमिक कि मैनेजमेंट को डायनेमिक होना चाहिए। जैसा सिचुएशन आए, मार्केट में जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी आए, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए वर्क करना। डायनेमिक से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, वो एग्जाम्पल है आपका, आपने लास्ट ईयर आप सबने देखा होगा जब 4G सिम लॉन्च करने की बात की गई थी, जिसमें जियो कंपनी, रिलायंस कंपनी जो हमारी है, उसने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उसने एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज का रोल प्ले किया जिसमें बाकी कंपनीज उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही थी, लेकिन रिलायंस ने इस स्टेप को फर्स्ट अडॉप्ट किया और आज की डेट में जब बात 4G सिम्स की या फिर नेट कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो शायद आज भी जियो रिलायंस सबसे ऊपर है। तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे रेज करने का इंटेंशन यही था कि मैं आपको डायनेमिक फीचर को एक्सप्लेन कर पाऊं कि उस टाइम उस कंपनी की मैनेजमेंट ने डायनेमिक होके प्रूव किया कि जो भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो भी चेंजेस आ रहे थे, उनको फर्स्ट से अडॉप्ट करने के लिए अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करके न्यू इम्प्रोवाइजेशन, न्यू इनोवेशन के साथ मार्केट में वो कंपनी स्टैंड कर रही है। तो मैनेजमेंट शुड बी डायनेमिक, इट ऑल शुड बी ऑलवेज डायनेमिक। नेक्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट द इंटेंजिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट।
that it is intangible in nature. Management आपको दिख नहीं रहा है, जो एक्टिविटीज हमारे आसपास परफॉर्म की जा रही है अगर वो एकदम पीसफुली हो रही है, कोऑर्डिनेटेड वे से हो रही है, सब ग्रुप्स को अचीव किया जा रहा है, कंपनी हमारे साउंड पोजीशन में दिख रही है, तो ये सब जो भी साइंस है वो रिप्रेजेंट करता है कि प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर थिंग्स आर गोइंग ऑन. तो ये हमारे लिए एट दैट मोमेंट इनटेंजिबल फोर्स है जो हम केवल फील करते हैं. तो मैनेजमेंट हमारे लिए इनटेंजिबल है. वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ग्रुप एक्टिविटी. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. एवरीवन हैज different tastes, preferences, perceptions, but it is the duty of the management to work them efficiently. ऐसा काम करवाया जाए उनसे कि different tastes, preferences, इन सब के बावजूद, different nature होने के बावजूद, हम एक common goal की तरफ organization को लेके चले. क्योंकि हमारे पास इतने organization में members हैं, सबके स्टेटस अलग हो सकते हैं, परसेप्शन अलग हो सकते हैं, टेस्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक कॉमन गोल की तरफ चलते हैं. इस कॉमन गोल की तरफ आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना. एंड इट इज द इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट कि आपको ग्रुप को किसी तरह परफॉर्म करना है. दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट. Once again, we remind all the features of management that management is a goal-oriented process. It is a continuous process. It is pervasive in nature. It is multidimensional. It involves group activity. Now, the another topic is, we are going to explain here, is importance of management. इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैनेजमेंट क्यों जरूरी, मैनेजमेंट है क्या, अभी उसी से कोरिलेट करके हम इंपॉर्टेंस को भी प्रूव कर सकते हैं. इंपॉर्टेंस की जहां तक बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा हेल्प इन अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले मैनेजमेंट की एसेंशियल क्यों है, मैनेजमेंट जरूरी क्या है. इट हेल्प्स इन द अचीविंग गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बट अनदर इम्पोर्टेंस इज मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द वर्ड पर्सनल स्टैंड्स फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Employees of the organization, the human resource which we have employed here, जो भी organization में हमारे पास जितनी भी manpower है उनके और उनके objectives, उनके goals को भी achieve करने में management हमारे लिए helpful होती है. कैसे? Management provide the organization, उनको salary provide कर रही है for their work. वो उस work के against जो भी salary उन्हें मिल रही है उससे उनकी पर्सनल डेवलपमेंट पॉसिबल है. दे वर्क फॉर देयर लाइवलीहुड. इसी तरह मैनेजमेंट पर्सनल गोल को अचीव करने के साथ साथ वर्क करता है हमारे नेक्स्ट सोशल गोल को अचीव करने में भी.
व्हाट इज सोशल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चे इतना तो समझना होगा कि हमने सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज करके सारा काम किया है। मैन पावर जो यूज कर रहे हैं वो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन जहां हमने सेटअप किया है वो भी सोसाइटी के ही बीच में है। इवन रॉ मटेरियल्स वगैरह जो भी परचेज कर रहे हैं वो भी सोसाइटी की है। इन दैट केस हम सब कुछ सोसाइटी से ले, तब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स को कुछ फुलफिल किया जाए। अब सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वी हैव टू डू सम सोशल वर्क। सोशल वर्क चैरिटीज, एनजीओस को चैरिटी देना, हॉस्पिटल एजुकेशन सेंटर्स ओपन करना, इस तरह करके हम सोशल सर्विसेज सोशल गोल को भी अचीव कर सकते हैं। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। सो टुडे आज की टॉपिक हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट।